वायग्रा जैसे सेक्स टॉनिक लेने के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वायग्रा का डोज कितना लेना चाहिए, वायग्रा कब लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, ऐसे काफ़ी सारी समस्याएं लोगों को होती है, काफ़ी सारे सवाल लोग हमको पूछते रहते हैं। क्या है कि वायग्रा की जो गोली है वो 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम ऐसी मात्रा में आती है, और यूजुअली सेक्स करने के 1 से 2 घंटा पहले वो लेनी चाहिए। उसका इफेक्ट जो है वो 4 घंटे के बाद में करीब करीब आधा कम हो जाता है, आधा इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए 4 घंटे जाने से ज़्यादा 5 घंटे तक उसका इफेक्ट अच्छा रहता है और लैंगिक कठोरता अच्छी आती है। तो जब आप लेते हैं तो 4 घंटे के अंदर अंदर ही सेक्स करना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। और वैसे ही सेक्स की गोली लेने के बाद, मतलब सिल्डेनाफिल आप लेते हैं, उसके बाद में आपने ऐसा नहीं कि गोली ले लिया फिर घूमने चले गए, टीवी देख रहे, क्रिकेट की मैच देख रहे, तो वैसा नहीं चलेगा। सेक्स की इच्छा होना, सेक्स डिज़ायर होना, सेक्स के थॉट्स होना वो ज़रूरी है, तब ये वायग्रा काम करेंगे। एक महिला मेरे पास में आई, बोले कि वो तो शराब पीते हैं और बिल्कुल सेक्स करते ही नहीं है, और मुझे आप वायग्रा दे दो, मैं उनको खिलाऊंगी ताकि उनको सेक्स आएगा, फिर वो हमारा सेक्स हो जाएगा। मतलब भाई आप खिलाएंगे मतलब उनको बताएंगे ही नहीं क्या? बोले मैं बताऊंगी नहीं उनको। फिर कैसे देंगे? बोले खाने में खिला देंगे। अब खाने में खिला देंगे, वो शराब पी के आएंगे, ये खाने में गोली खिलाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा? नहीं, बोले आप दे दो, जो होगा देख लेंगे। क्योंकि जब आप शराब लेते हैं तो डेफिनेटली सिल्डेनाफिल का एब्सॉर्प्शन जो है वो बराबर होता नहीं है। सिल्डेनाफिल मतलब ये जो वायग्रा है काम नहीं करती है। वैसे ही खाना खाने के बाद में यदि आप लेते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन जो है गोली का वो बहुत देरी से होता है और वो जल्दी काम नहीं करेगी, तो गोली खाना खाने के बाद में भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जिनका पाचन तंत्र या मेटाबॉलिज्म जो है, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है मतलब एनर्जी कंजम्पशन जो रेट है, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, वो यदि आपका ज़्यादा है तो वायग्रा जल्दी बॉडी से निकल जाएगी और उसका इफेक्ट जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे चलेगा, वो लोगों में हो सकता है कि 2-3 घंटे में निकल जाएगा इफेक्ट। तो जिनका BMR ज़्यादा है उनको वायग्रा ज़्यादा समय तक उनके इसमें काम नहीं करेगी। 65 साल के ऊपर यदि आपकी उम्र है तो वायग्रा हो सकता है कि ज़्यादा काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि 65 साल के ऊपर जो रेट है मेटाबॉलिज्म का वो कम हो जाता है, और वो कम हो जाता है तो फिर वायग्रा ज़्यादा समय तक काम कर सकती है। यदि आपको कोई दवाइयाँ चल रही है तो समझो एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशंस दवाई चालू है, तो ऐसे कंडीशन में वायग्रा की गोली काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नींद की गोली ले रहे हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम करने की गोलियाँ खा रहे हो, उसका असर है, उसके अंतर्गत फिर वायग्रा का उतना इफेक्ट आएगा नहीं। यदि आपको बीमारी है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, तो उस समय एक तो वायग्रा नहीं लेना चाहिए। यदि किडनी का प्रॉब्लम है तो लेते हैं, या लीवर का प्रॉब्लम है तो भी लेते हैं, तो एक्चुअली वायग्रा ज़्यादा समय तक काम कर सकती है। वायग्रा के साथ में अनार का जूस नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्टडीज़ पाई गई है कि वायग्रा और अनार का जूस साथ में लेते हैं तो प्रायपिज्म होता है, मतलब लैंगिक कठोरता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 4 घंटे से ज़्यादा यदि लैंगिक कठोरता रही तो दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए अनार का जूस और वायग्रा साथ में नहीं लेना चाहिए। वैसे ही अंगूर का जूस जो है, ग्रेप जूस, तो ग्रेप जूस और वायग्रा साथ में नहीं लेना, क्योंकि ग्रेप जूस आप लेते हैं तो ग्रेप जूस लेने के बाद भी वायग्रा लेते तो उसका एब्सॉर्प्शन फटाक से हो जाएगा, फटाक से एक्शन चालू हो जाएंगे, फटाक से एक्शन कम भी हो जाएंगे, जल्दी एब्सॉर्प्शन, जल्दी एक्सक्रीशन, और आप बोलेंगे अरे फायदा ही नहीं हुआ। तो फिर यदि वायग्रा लेते हैं तो अंगूर का जूस नहीं लेना चाहिए। वायग्रा जिनको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, आँख का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, तो उन्होंने भी वायग्रा नहीं लेना चाहिए। तो वायग्रा ओवर द काउंटर जाके लोगों ने नहीं लेना चाहिए। आपको यदि प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, आपको लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, तो डॉक्टर की सलाह लो। हमारे यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन नीचे नंबर दिए हुए, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप दवाई कैसे लेना उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लोगों को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।